हेलो स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में आपके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, उसके बाद हमने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात की थी, कैसे हम लिंकेज ग्रुप निकालते हैं, कैसे हम लिंकेज यूनिट्स निकालते हैं, कैसे हम दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कैसे हम दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस पता करके उनको अरेंज कर सकते हैं क्रोमोसोम पे, उसके बारे में हम लोगों ने बेटा बात की थी। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस, अगर हम बात करें कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है बेसिकली, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इट इज अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री होता है दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस से हम क्या करते हैं, जो भी फैमिली रिकॉर्ड्स है उनकी स्टडी करते हैं और उनसे ये पता लगाते हैं कि कोई हिस्ट्री में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है अपनी फैमिली में जिसमें कोई डिजीज हो, जो जेनेटिक डिजीज हो, जो इनहेरिटेंस होती हो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एक टाइप का फैमिली ट्री है, इट इज अ फैमिली ट्री। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन्स जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, जो जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में बताता है, किसी भी फैमिली की जेनेटिक हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है बेटा, तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली क्या है, इट इज अ फैमिली ट्री दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन्स जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, किसी भी फैमिली में कोई डिजीज है वो जेनेटिक है या वो इनहेरिटेंस होती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होती है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस का मेन पर्पज क्या हुआ, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो फैमिली में है या फिर जो हिस्ट्री में रह चुका उसके बारे में पता लगाना ही क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, कोई भी जेनेटिक ट्रेट है, वो हम ह्यूमंस में भी पता लगा सकते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स में भी पता लगा सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एज वेल एज एनिमल्स के लिए भी हम लोग अलाउ करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम और अगर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट द जेनेटिक ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड आल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए और एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, दोनों के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, उनकी जेनेटिक हिस्ट्री को जानने के लिए, उनके जेनेटिक कोई ट्रेट या जेनेटिक कोई डिसऑर्डर चला आ रहा है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग पेडिग्री एनालिसिस का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा आगे पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम मोड ऑफ इनहेरिटेंस देख सकते हैं कि वो डोमिनेंट वे में इनहेरिट हो रही है, डोमिनेंट फॉर्म में इनहेरिट हो रही है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो डिजीज, या फिर रिसेसिव फॉर्म में, रिसेसिव मोड में वो इनहेरिट हो रही है। ठीक है, तो और हम पेडिग्री एनालिसिस से क्या पता लगा सकते हैं, डिटरमाइन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि वो डिजीज डोमिनेंट है या फिर वो डिजीज रिसेसिव है।
ठीक है, कोई भी डिजीज है वो रिसेसिव फॉर्म में आगे ट्रांसमिट हो रही है, आगे इनहेरिट हो रही है, या फिर वो रिसेसिव फॉर्म में इनहेरिट हो रही है, इसके बारे में भी हम पेडिग्री एनालिसिस से पता लगा सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एनालिसिस कर रहे हैं हम किसी चीज का, किसका, पेडिग्री का, मतलब फैमिली ट्री का, फॉर दी जेनेटिक डिसऑर्डर या फॉर दी जेनेटिक हिस्ट्री, जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं जिनके बेसिस पे हम आगे पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से सिंबल्स है अगर हम बात करें, ठीक है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए या फिर ह्यूमन की फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जो पेडिग्री एनालिसिस हम करते हैं उसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे, आगे फिर उन्हीं सिंबल्स के थ्रू हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल है, उसी सिंबल के अकॉर्डिंग हम उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो इसके हम बात करते हैं सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, अगर हम बात करें सिंबल्स के बारे में, देखो अगर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, अगर सर्कल से रिप्रेजेंट है, अगर सर्कल अगर वहां पे आपको सिंबलाइज दिखाया गया है, सिंबल दिखाया गया है, तो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल, यदि सर्कल दिखाया गया है तो इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल। बट इफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर अगर वहां पे सिंबल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल। क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, मेल। यदि सर्कल है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल, और यदि वो स्क्वायर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेल। ठीक है, ये सिंबल समझ में आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें If this shape is represent, ये shape जो है ये क्या represent करती है, ये जो shape है ये pedigree analysis में क्या represent करती है अगर हम बात करें, तो ये represent करती है sex unspecified। sex unspecified का मतलब क्या है बेटा, sex of individual is not specified, मतलब ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली स्पेसिफाई नहीं की हुई। ठीक है, तो ये सिंबल किसके लिए है, सेक्स अनस्पेसिफाइड। सेक्स अनस्पेसिफाइड का मतलब क्या हुआ, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट स्पेसिफाइड, आइदर इट इज मेल और फीमेल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये कुछ सिंबल्स है जो हम पेडिग्री एनालिसिस करते समय यूज करते हैं, तो आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं। ठीक है बेटा, दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेडिग्री एनालिसिस ऑफ यू। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, देखो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम सिंबल की बात करें बेटा, तो हम नेक्स्ट सिंबल क्या देखेंगे, सर्कल शेडेड, डार्क सर्कल या फिर इट इज शेडेड। ठीक है, तो सर्कल होगा और वो शेडेड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल। क्या बोलेंगे, अफेक्टेड फीमेल, मींस ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड है किसी डिजीज से, किसी जेनेटिक डिसऑर्डर से, क्या है, डिजीज्ड है, अफेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो जो सर्कल है और डार्क सर्कल है, मींस होल जो सर्कल है, पूरा जो सर्कल है वो डार्क किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है, तो वो क्या होगा, अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, क्या है, अफेक्टेड फीमेल। ऐसे ही अगर हम देखें स्केयर, और स्केयर को डार्क किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है पूरे सर्कल, पूरे स्केयर को, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड मेल। क्या होगा बेटा, अफेक्टेड मेल, क्यों, ये मेल क्या है, डिजीज्ड है, कोई डिजीज है जो इनको कॉज है, वो क्या है, अफेक्टेड फीमेल या फिर अफेक्टेड मेल, जो क्या है, डिजीज्ड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ सिंबल्स हमने अब तक पढ़े हैं, अब हम आगे सिंबल्स की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें सिंबल की, नेक्स्ट सिंबल की, तो स्क्वायर या फिर सर्कल, इट विल बी हाफ शेडेड। हाफ जो है सर्कल या फिर हाफ जो है
स्क्वेयर वो क्या है, शेडेड है। अब की बार पूरा स्क्वेयर या फिर पूरा सर्कल शेडेड नहीं है, सिर्फ हाफ स्क्वेयर या हाफ सर्कल क्या है, शेडेड है। तो क्या होगा, इट मे बी कैरियर। क्या होंगे बेटा, इट मे बी कैरियर मीन्स क्या है, वन जीन इज रिसेसिव जीन एंड वन जीन इज डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इट मे बी कैरियर, कैरियर हो सकते हैं। और कैरियर्स हमेशा फीमेल्स ही होती है इन द केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, बट इन द केस ऑफ ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, क्योंकि ऑटोसोम्स है, आपको इतना तो पता है, आपको जब मैंने बताया था सेक्स डिटर्मिनेशन में तो वहां पे मैंने आपको बताया था ऑटोसोम्स मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, 22 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में एक्स एंड वाई टू सेक्स क्रोमोसोम्स एंड द फीमेल में 2X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैरियर्स होते हैं फॉर द ऑटोसोमल डिसऑर्डर या फिर फॉर ऑटोसोमल जीन्स, कैरियर फॉर ऑटोसोमल जीन्स। ठीक है, क्या होंगे, कैरियर होंगे डिजीज के, फुली डिजीज्ड नहीं होंगे, सिर्फ कैरियर होंगे उस डिजीज के। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ सर्कल एंड वन डॉट इज रिप्रेजेंट इन इट्स सेंटर, ठीक है, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल कैरियर फॉर सेक्स लिंक्ड जीन्स या फिर एक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, ये क्या है, कैरियर फीमेल फॉर एक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक्ड जीन्स या फिर सेक्स लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अगर हाफ स्क्वेयर शेडेड है, हाफ सर्कल स्क्वेयर शेडेड है, हाफ सर्कल शेडेड है, तो ये तो क्या होंगे, कैरियर मेल एंड फीमेल फॉर ऑटोसोमल जीन्स। बट इफ कैरियर फीमेल, ठीक है, यदि एक सर्कल है और उसके अंदर सेंटर में एक डॉट है, तो वो क्या होगा, कैरियर फीमेल फॉर एक्स लिंक्ड जीन्स। अब हमने ये क्यों बोला कि जो एक्स लिंक्ड जीन्स है वो सिर्फ, उसमें सिर्फ कैरियर जो है वो फीमेल ही होती है, फादर कभी भी कैरियर नहीं होता, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता, मेल हमेशा डिजीज्ड होता है इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड जीन्स। ऐसा क्यों बोला, अब देखो, इन केस ऑफ फीमेल एंड इन केस ऑफ मेल, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम एंड द एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इफ इट इज कैरियर, ये क्या है, कैरियर है, कैरियर मींस एक एक्स पे तो डिजीज है और एक तो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म शो कर रहा है, एक रिसेसिव फॉर्म शो कर रहा है। बट इन द केस ऑफ मेल, अगर मेल के केस में अगर हम ये शो करते हैं तो ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा, क्या होगा, डिजीज्ड मेल होगा और ये क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। डिजीज्ड क्यों होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, नॉट अदर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम्स, इट मे बी कैरियर और डिजीज्ड। अगर दोनों अगर होंगे, दोनों ही अगर डिजीज्ड होंगे, अफेक्टेड होंगे दोनों एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्या कहलाएगा, अफेक्टेड या फिर डिजीज्ड, क्या कहलाएगा बेटा, मोस्टली डिजीज्ड। इतनी बात समझ में आई। लेकिन अगर सिंगल एक्स अफेक्टेड है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज कैरियर। ठीक है, लेकिन फीमेल के केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, इफ डिजीज इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, इट ऑलवेज डिजीज्ड और अफेक्टेड। ठीक है, समझ में आया। इसीलिए हमने बोला कि कैरियर जो फीमेल है इन एक्स लिंक्ड जीन्स, हमेशा फीमेल होती है, नॉट मेल। ठीक है बेटा, ये कुछ सिंबल समझ में आ रहे हैं आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल की। इफ सर्कल एंड स्क्वेयर इज कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, यदि सर्कल और स्क्वेयर को आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट करते हो, इट इज रिप्रेजेंटिंग
द मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। क्या आप रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन द फीमेल एंड द मेल, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फीमेल एंड इट रिप्रेजेंट्स मेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मेटिंग बिटवीन द फीमेल एंड द मेल्स। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ सर्कल एंड स्क्वायर इज कनेक्टेड बाय टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, इट इज कनेक्टेड बाय टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के ही बीच में मेटिंग हो गई मेल एंड फीमेल में, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल एंड मेल इज कनेक्टेड बाय द टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हम क्या लिखेंगे, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है बेटा। रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेल एंड द फीमेल विच इज कनेक्टेड बाय टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया, सर्कल एंड द स्क्वायर विच इज कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन ठीक है। अब क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट किया मेल एंड फीमेल को और एक वर्टिकल लाइन को मैंने एक्सटेंड किया फ्रॉम दीज कपल्स, ठीक है, और उसके नीचे मैंने जो दिखाए हैं ये क्या है, इनके चिल्ड्रंस, मतलब फीमेल एंड मेल में क्या हुई, मेटिंग हुई और उनसे जो थ्री चिल्ड्रंस प्रोड्यूस हुए मैंने उनको यहां शो किया, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द फीमेल, दैट इज द मेल, ये इसकी डॉटर, ये भी डॉटर और ये क्या हो गया, सन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है बेसिकली, इसकी इन पेरेंट्स की प्रोजेनी है, इन पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आई। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पेरेंट्स अबाव एंड चिल्ड्रन बिलो, ऊपर तो क्या शो किए हैं मैंने, पेरेंट्स, और ये जो है ये क्या है, इसके ऑफस्प्रिंग्स है या फिर इसके चिल्ड्रंस है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो अब तक जो सिंबल्स बताए हैं इनके बारे में पता लग गया, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के लिए ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं बेटा। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिंबल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट सिंबल के बारे में, तो देखो नेक्स्ट सिंबल क्या हो सकता है, इफ फीमेल इज क्लोज्ड इन अ ब्रैकेट और मेल इज क्लोज्ड इन अ ब्रैकेट, इट रिप्रेजेंट्स द अडॉप्टेड चाइल्ड। क्या है, अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर ये सिंबल है तो मतलब क्या है, ये जो ऑफस्प्रिंग्स है डॉटर एंड दी सन, ये क्या है, अडोप्टेड है, अडोप्ट किए हुए चाइल्ड्स है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इनमें जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा, वो जेनेटिक कंपोजिशन पेरेंट्स का नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स ने इन ऑफस्प्रिंग्स को खुद प्रोड्यूस ना करके कहीं से अडोप्ट किया है। तो जो अडोप्टेड चाइल्ड होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे बेटा, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से क्या होंगे, जेनेटिकली डिफरेंट होंगे बिकॉज दे आर अडोप्टेड, ओके। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट मैंने सिंबल बताया आपको, सर्कल एंड द स्क्वायर विच इज क्रॉस बाय अ लाइन, एक लाइन से मैंने इनको क्रॉस कर दिया। दिस सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द डेथ, ठीक है, मेल या फिर फीमेल दोनों क्या हो गए, डेथ, दोनों मर गए मान लो, ठीक है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल एंड स्क्वायर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन क्रॉसेस अ लाइन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इनको, डेथ, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है। अब देखो बेटा,
अब एक दो सिंबल्स और हम बात करते हैं उनके बारे में, उसके बाद हम देखो एक बात करते हैं ट्विन्स के बारे में। आपने बात की होगी, पढ़ा होगा आपने ट्विन्स के बारे में। ट्विन्स टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड सेकेंड वन इज द डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड सेकेंड वन इज द डाइजाइगोटिक ट्विन्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड व्हाट इज डाइजाइगोटिक ट्विन्स, और इनके क्या सिंबल है पेडिग्री एनालिसिस में, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो बेटा, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मोनोजाइगोट मतलब एक सिंगल जाइगोट से दोनों ट्विन्स अराइज हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। तो जब एक सिंगल जाइगोट से ही दोनों जो ट्विन्स है, दोनों जो एम्ब्रियो है, आगे जो ट्विन्स अराइज हो रहे हैं, उन दोनों का जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्या होगा बेटा? सिमिलर होगा। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है ये आइडेंटिकल होते हैं और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिकॉज दे गिव राइज फ्रॉम द सिंगल जाइगोट। ठीक है, क्योंकि सिंगल जाइगोट से ही अराइज होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्या होंगे? आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, आइडेंटिकल ट्विन्स, एंड उसके अलावा क्या होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे। क्या होंगे? जेनेटिकली सिमिलर ट्विन्स होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें डाइजाइगोटिक ट्विन्स के बारे में, तो देखो डाइजाइगोटिक, दो अलग अलग जाइगोट से ट्विन्स बने हैं, एक जाइगोट से अलग ट्विन बना है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टू जाइगोट्स बने। ठीक है, एक जाइगोट से अलग ट्विन बना है, एक जाइगोट से अलग ट्विन बना है। तो यहाँ पे जो ट्विन्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू जाइगोट्स इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो भी डिससिमिलर होगा, ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स कौन से होंगे? बेसिकली नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे। ठीक है, और उसके अलावा जेनेटिकली डिससिमिलर होंगे, जेनेटिकली डिससिमिलर। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स कौन से हुए? जो दो जाइगोट से फॉर्म होंगे, बेसिकली नॉन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि अलग अलग जाइगोट से उनका फॉर्मेशन हुआ है, और जेनेटिकली डिससिमिलर होंगे। इतनी बात आ गई बेटा समझ में? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे अगर हम बात करें इसके सिंबल्स की, तो मैंने बोला आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या हुआ? या तो दोनों फीमेल्स ही होंगी या दोनों मेल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, या तो दोनों मेल्स अराइज होंगे या फिर दोनों फीमेल्स होंगी। तो इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे? मेटिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ठीक है, ऐसे ही ये तो मैंने फीमेल का केस लिया है, डॉटर का केस लिया है। यहां पे अगर मैं सन का केस ले लूं, सॉरी ठीक है, अब दोनों जो डॉटर्स जो पैदा हुई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेटिंग बिटवीन पेरेंट्स, अब जो दोनों डॉटर्स हैं ये दोनों क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है और आइडेंटिकल ट्विन्स है। तो हम इन दोनों को भी क्या कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा ही यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। देखो बेटा, याद रखना, दिस इज नॉट रिप्रेजेंट मेटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी जेनेटिकली सिमिलर या फिर जेनेटिक कंपोजिशन बिटवीन दी ट्विन्स। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, बेसिकली जेनेटिकली या फिर लिख देंगे जेनेटिक कंपोजिशन को, क्योंकि जो जेनेटिक कंपोजिशन है दोनों की क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें डाइजाइगोटिक ट्विन्स में सिंबल की, तो यहां पे क्या होगा, मेटिंग के बाद जो यहां पे
ये क्या है, चांस के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो दोनों जायगोट है वो एक मेल या एक फीमेल ही बनाए, ये दोनों मेल्स भी बना सकते हैं, दोनों फीमेल्स भी बना सकते हैं, अलग अलग जायगोट है। तो इट डिपेंड्स कि जो जायगोट है वो क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इससे जो अराइज होंगे ट्विन्स, सपोज करो मैंने एक मेल ले लिया, एक फीमेल ले ली, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों ट्विन्स को कनेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर जेनेटिकली डिससिमिलर, क्योंकि इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो क्या है, डिससिमिलर है, एक जैसा नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे जो ट्विन्स, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल लाइन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दिस ट्विन्स। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक है, अब तक आ रहा है। अब ये तो हमने बात की है बेटा सिंबल्स के बारे में, कि जो पेडिग्री एनालिसिस है उसको एनालिसिस करने के लिए कि किस टाइप की डिजीज है वो फैमिली हिस्ट्री में पाई गई है, फैमिली ट्री में पाई गई है, ठीक है, उस सब को जानने के लिए हमें इन सभी सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी। जब आप अब आगे एग्जांपल्स की बात करोगे वहां पे हम लोग बात करेंगे इन सब के बारे में, इन सभी सिंबल्स के बारे में, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस के टाइप्स के बारे में, कि जो पेडिग्री एनालिसिस है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, पेडिग्री एनालिसिस के टाइप्स के बारे में। तो पेडिग्री एनालिसिस है वो बेसिकली फाइव टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप्स की हो सकती है, फाइव टाइप्स की हो सकती है। अब हम फाइव टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उनके एग्जांपल्स के बारे में भी हम बात करेंगे, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम एक एक के, और पेडिग्री के बेसिस पे हम समझेंगे कि वो डिजीज है वो किस फॉर्म में, तो डोमिनेंट है कैसे, वो रिसेसिव है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइव टाइप की जो पेडिग्री एनालिसिस है उसको अगर हम देखें तो कौन कौन सी है, तो बेटा सबसे पहले है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस या डिसऑर्डर, ठीक है। सेकंड वन इज दी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, ठीक है। थर्ड वन इज दी एक्स लिंक्ड, या फिर एक्स लिंक्ड को हम लिख सकते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एंड एक्स लिंक्ड या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस, एंड लास्ट वन इज द वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये पांच टाइप की पेडिग्री एनालिसिस है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कि ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस कैसे है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसे है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैसे है, या फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे है, इनके बारे में हम लोग अभी बेटा बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो चलो सबसे पहले हम लोग, तो बेटा ये पांच टाइप के पेडिग्री एनालिसिस और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि कौन से इनहेरिटेंस में कैसे वो रिसेसिवली ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे वो डोमिनेंट फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अब के लिए इतना ही, इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।